जखम के पास फिलहाल तेज बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं भी यहां पर चल रही है और साइक्लोन बिपरजॉय जो यहां पर हिट होने से पहले की ये तस्वीर है। यहां देख लीजिए आप सड़क पर सामने की ओर अगर देखें तो जीरो विजिबिलिटी की ओर किस तरीके से यहाँ बारिश सड़कों पे दिख रही है। वहाँ ये पानी की ओर भी यहाँ पर देखिए, पानी के ऊपर जो तेज़ हवाएं चल रही है उसके चलते किस तरीके की तस्वीरें बन रही है वो भी देखिए। और यहाँ पर जीरो विजिबिलिटी के साथ सामने जो विंडमिल थी वो विंडमिल नहीं दिख रही है। कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा जूम इन, हालाँकि वो ब्लर होगा, यहाँ से थोड़ा जूम इन करके दिखाए। पूरी की पूरी जो विंडमिल है वो यहाँ दिखनी बंद हो गई है और तेज़ रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। समुंदर है वो उफान पर है, सामने तस्वीरें और भी दिखा देंगे। सामने जो उफान पर है समुंदर, जो लहरें उफान मारती हुई यहाँ पर दिख रही है और यही दिखा रहा है कि साइक्लोन जब 5 बजे के आसपास, 4 से 5 का वो वक्त बताया जा रहा है जब साइक्लोन इस इलाके में हिट करेगा, जखाऊ से गुजरेगा, उस समय पर तस्वीर क्या होगी इसका ये केवल ये शुरुआती तस्वीरें हैं। उस समय क्या स्थिति होगी इससे अंदाज़ा लगा लीजिए किस हद तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है कच्छ में, गुजरात में। यहाँ से जब वो गुजरेगा तो ये तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। जब ये तेज़ हवाएं जब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 4 से 5 में कभी भी इस समय वो हिट कर सकता है। फिलहाल अभी 180 किलोमीटर दूर जखाऊ से साइक्लोन यहाँ पर दूरी होने की बात कही जा रही है। ट्रैक है उस ट्रैक के मुताबिक ही वो जखाऊ और मांडवी के बीच में ये टकराने की बात कही जा रही है, जो फोरकास्टिंग है, जो नया फोरकास्टिंग है उसके मुताबिक। लेकिन तेज़ हवाएं अब 125 से 135 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं यहाँ से गुजरेगी और उस समय साइक्लोन यहाँ से गुजरेगा तो उस समय नुकसान भारी हो सकता है। और अभी मैं यहाँ जखाऊ के पास पिंगलेश्वर में हूँ और समुंदर की जो लहरें हैं वो आप देख लीजिए किस तरीके से उफान लेती हुई तस्वीरें हैं। ये कल भी हम यहाँ से जब रिपोर्ट कर रहे थे तो इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखने को मिल रही थी। आज आप देख लीजिए उफान लगाती हुई लहरें यहाँ पर देखी जा रही है और भारी तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही है। यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो पा रहा है लगातार, ये साथ में बारिश भी उतनी है। सामने की ओर भी अगर दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन अनूप है वो जो आपको दिखाएंगे। तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ से हम सामने की ओर जा रहे हैं और तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर उफान गाती हुई लहरें यहाँ पर दिख रही है। और ये अब आ चुकी 4:30 से 5 का वो वक्त है जब जखाऊ के तट इलाके से, जहाँ से हम खड़े हैं, वहाँ से गुजरेगा ये तूफान। यानी उस समय इसकी रफ्तार होगी 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की। यानी पहले वो गुजरेगा, उसके बाद उसकी आई गुजरेगी, तो आई गुजरने के बाद साइक्लोन का असर देखने को मिलेगा। तो शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब गुजरात के तटीय इलाकों से गुजरेगा। और ये देखिए पानी की लहरें उफानती मारती हुई और ये पानी यहाँ तक बीच के बाहर तक आता हुआ। इससे पहले भी अगर देखें तो कल हम आए थे तो वो काफ़ी दूर था, समुंदर की जो लहरें वहाँ तक नहीं आती थी, लेकिन आज ये लहरें यहाँ पर देखी जा सकती है। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से रुख अपना रहा है साइक्लोन।